सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। ट्रेलवी नप दो। नप दो। हेलो जी, माय नेम इज मिसिंग एंड शी इज दिलप्रीत कौर। So guys, आज दी वीडियो आपां तुहाडे नाल देखन लगे हैं, बट वो वीडियो मेरे ख्याल आपां पहली बारी किसी दी देखन लगे हैं। हाँ जी। इन्हां दा नाम हैगा राजा सकीब मुस्ताफी। ठीक है जी, ब्यूटीफुल शॉर्ट बयान जिहदे विच किस्सा है एक बुढ़िया ओल्ड वूमेन का, मतलब एक बुजुर्ग औरत आ उन्हां दा कोई एक बयान दसन लगे है, वो किस्सा सुना रहे है। सो इन्हां दा बयान पहली बारी देखना है। अच्छा ठीक है, ये भी मतलब वो नहीं। हाँ जी, मतलब ये भी एक शायद मौलाना ही होंगे। तो गाइस वीडियो आप शुरू करेंगे, पर उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द थम्स अप नाउ एंड की कहते होंगे बेल आइकन। नहीं मैं कह रही बेल आइकन नहीं जी, मैं इन्होंने मौलाना जी कहते हैं ना। हाँ जी, मुसलमान जिदा भी है ना। हाँ जी। तो सिख वो कहते ने संत। संत हाँ, मतलब आप जिम्मे अपने पाठी होंगे कथावाचक होंगे, कथावाचक कहने कथा अलग हो गए, मतलब संत। हाँ संत भी कह सकते हैं, मतलब हाँ जी, वो बस इधर दी लैंग्वेज में वैसे संत कहते हैं, पर अजकल संत कहना लोग पसंद नहीं करते क्योंकि संत की एक इमेज है जी इंडिया में, वो बड़ी जड़े करप्ट लोग होंगे उन्होंने खराब करती हुई है ना। सो दैट्स वाई मेरे ख्याल, पर वैसे पंजाबी का शब्द वैसे मौलवी है, तो मौलाना मेरे ख्याल उर्दू का वर्ड होना जा अरेबिक मे बी। हाँ जी, ये मैं पता नहीं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि की ख्याल ने इन्हें। हियर वी गो। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी। और उसने सुना था मक्के में एक जादू घर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता, कहीं ऐसा ना हो कि दीन छीन लेता है, मतलब धर्म छीन लेता है। मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे। उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझिल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी, हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करती जा रही। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है। मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, शहर छोड़ के जा रही है उससे करके। ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ूंगा। जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने कर रहा है। ओह शिट। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए, लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत जदा के काम आए। हुजूर यतीम होके यतीम परवरते, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते, और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत जदों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हसद ना फैलाओ, बुगज ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वादा बने, और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो। वैसे एक गल है ना, को हुजूर के नाम कर दो। एक गल है कि सारे जिन्ने भी पाकिस्तान के मौलवी आप देख रहे हैं सारे यही गल कहते हैं भी नफरत ना करो, किसी नाल प्यार करो, है ना। सो वैसे मैंने हुण समझ लग गई इस वीडियो की, बिकॉज ये वीडियो एक वाकया सुनाया इन्होंने बहुत पुराना, जदों मुहम्मद होंदे सी, है ना, जदों आप देखा सी ना मक्का विच पहला मूर्ति बुत की पूजा करते होंगे सी लोग। सो इन्हों का कहने का मतलब भी धर्म छीन लेंदे सी, मतलब भी जेडे लोग बुतों की पूजा करते सी क्योंकि उन्होंने सारे बुतों की पूजा करने हटाता सी ते एक धर्म नाल जोड़ता सी, तां उन्होंने कहने का मतलब ये हो सकता शायद उस टाइम का। ते बाकी आप इन्हां दी राजा साकिब है ना,
राजा सकीब इन्हों की आप पहली वीडियो देखी है तो काफ़ी अच्छा बयान दिता है इन्होंने जिम्मे आप मतलब फर्स्ट टाइम देखी है इन्होंने मतलब बहुत अच्छा बयान दिता है सही गल हाँ जी सो इन्हां दीआं गल्लां हजे आपां होर वीडियोज़ जेकर तुसीं चाहुंदे हो असीं इन्हां दी होर वीडियोज़ देखीए तां असीं ओह वी देख सकदे हां सानूं नीचे कमेंट करके तुसीं दस सकदे हां ते बाकी ओह जिवें सारे इन्हां दी रिक्वेस्ट ही आई सी किसे दी हां जी है ना हां जी इह रिक्वेस्ट ते ही बनाई गई है वीडियो यस क्योंकि सानूं तां पता नहीं सी पता नहीं सी बिल्कुल मतलब हां जी कोई गल नहीं सो मेरे कहने का मतलब यह है यार कि आप इन्होंने होर वीडियोज़ देखेंगे जेकर तुम चाहते हो जिमें इन्होंने एक किस्सा सुनाया बुढ़ी औरत का तो वह जिमें बड़ी एक लाचार तो इन्हों की गलों चो जिमें एक स्टोरी जी क्रिएट हो गई ना भी मैनू मैनू पता नहीं क्यों यार जो ओल्ड लोग होंगे ना मतलब ओल्ड बंदे बजुर्ग ज मातावान मैंने उन्होंने तरस बहुत आता तो जिम्मे हम अज इन्होंने गल दसी ना तो मेरे मन च वो आने लगे यार इन्हों मतलब बच्चे कितने है वो क्यों नहीं है कोल इन्हों है ना दिमाग चो चीज़ा यानी एक अपने आप जो इमेजिन आप कर सकते हैं ना उवें उवें बंदा इमेजिनेशन चलती रहती है जो जो अपना सुभाव हों उदी चीज़ा सोच लें है ना सो बाकी वीडियो बयान छोटा जहाँ सी वीडियो छोटी जी चंगी लगी तो कि लगी नीचे कमेंट करके सानू जरूर दसो तो इस वीडियो लाइक शेयर कमेंट भी कर दो इस वीडियो में कुछ खास दसन बोलन है नहीं सो इस वीडियो ने इतने ही खत्म करते हैं तो असं मिलेंगे तो किसी होर वीडियो से तद तक लिए सू दो इजाजत सत श्री अकाल चक्की रखो इदा ही कम